बस 1000 किलोमीटर जैसे ही पूरे हो जाए और टेंशन खत्म हो। ये जो ग्राफिक्स आते हैं ना, इसके ग्राफिक्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। ये रिकॉर्ड स्टार्ट हो गई। ये देखो, ये चीज आया, कॉन्फिडेंस देखो। तो टाइम हो रहा है 1:48 इन द नाइट, मतलब आधी रात का टाइम। बाहर हो रही है बारिश, बिजली चमकती हुई हल्की हल्की महसूस हो रही होगी, और पूरा प्लान हो चुका है चौपट। चौपट मतलब मैं इस टाइम पे बिल्कुल तैयार था, बिल्कुल तैयार, मतलब शूज़, बैग, पैकिंग सब कुछ करके, बाइक तैयार करके, बाइक पूरी रेडी करके आज मैं तैयार था कि मुझे आगरा आना है। और अभी हो गया, और ये कांड ऐसा है कि इसके अंदर सुपर बाइक चलाना बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि अंदर इतना कीचड़ घुस जाता है कि आप प्रैक्टिकली उसको चाह के भी पूरा अच्छे से साफ़ नहीं कर सकते। स्टीम वॉश भी करा लो तो भी अच्छे से साफ़ नहीं होता। तो इसलिए आगरा वाले जितनी भी टर्बो फैमिली है, आई एम रियली सॉरी, ऐसे तो मैं नहीं आ पाऊँगा इस मौसम में, बट येस, 2-3 दिन में दोबारा प्लान करते हैं, बट आई एम रियली सॉरी। और एक बार पैकिंग भी दिखाता हूँ, ये देखो बिल्कुल तैयार है सब कुछ। ये मेरे शूज़ पड़े हुए, मेरा बैग पड़ा हुआ, और बिल्कुल रेडी था मैं, मतलब बिल्कुल रेडी कि बस सुबह 5 बजे मैं गियर अपने पहनूंगा, बाइक स्टार्ट करूंगा और निकल जाऊंगा राइड पे। तो सॉरी गाइस, इस बार नहीं हो पाएगा, बट आता हूँ जल्दी। 2000 years later। तो ये फाइनली गाइज, आई एम रेडी एंड लेट तो हो ही चुका हूँ, वैसे एज यूजुअल हमेशा ही लेट होता हूँ। मेरे को निकलना था घर से अराउंड 11:30 बजे, और मैं निकल रहा हूँ करीब 12:30 बजे। तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट है, बट आज फटाफट से यहाँ से बाइक लेके निकलते हैं। तो भाई, ये खड़ी अपनी ब्लैक माफिया, और ये खड़ी अपनी वायरल के ऊपर भी कवर डाल दिए। और ये जो ग्राफिक्स आते हैं ना, इसके ग्राफिक्स बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। और अब कोल्ड स्टार्ट होने वाली है बाइक, तो कोल्ड स्टार्ट एक बार सुन लो। ये रही कोल्ड स्टार्ट हो गई, और बड़ी खतरनाक कोल्ड स्टार्ट होती है ये, कोई हल्की फुल्की नहीं होती। मैं तो ये सोच रहा हूँ जब एग्जॉस्ट लगा लूँगा तो यहाँ पे कोल्ड स्टार्ट करने में यहाँ फत मच जाएगी। अब 2000 कुछ RPM पे ही, करीब 2500 तो नहीं, हाँ करीब करीब 2500 RPM पे ही है, और 1000 RPM पे चल जाती है ये एग्जैक्टली। तो लेके चलते हैं इसको, और आज थोड़ा सा डे लाइट पे, फर्स्ट मोटो व्लॉग इन डे लाइट, और देखते हैं NS1 तक क्या स्पीड रहेगी, कितना ट्रैफिक रहेगा। वैसे मौसम हो रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब इस टाइम में मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, ये एक चीज़ अच्छी हो गई है कि मौसम बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई धूप नहीं है। हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी, बट धूप वूप बिल्कुल नहीं है, बादल है, और बारिश आने के पूरे चांसेस हैं। A few moments later. तो फाइनली बाइक पे हो गए हैं 52 किलोमीटर्स। यो अचीवमेंट होता है ना, ये अचीवमेंट होता है एग्जैक्टली, तो अपन अचीव कर रहे हैं। मेरे को 1000 किलोमीटर पूरे करने हैं, बस 1000 किलोमीटर जैसे ही पूरे हो जाएं और टेंशन ख़त्म हो, टेंशन मतलब इसकी फर्स्ट सर्विस हो जाएगी, एग्जॉस्ट लग जाएगा, एंड अपन हो जाएंगे बिल्कुल मस्त और फ्री। तो ट्रैफिक हो रहा है थोड़ा सा मॉडरेट, मतलब देखते हैं रोड के ऊपर कैसा होगा। अभी तो अच्छा खासा ट्रैफिक है, अच्छा खासा, मतलब इस टाइम तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि पता नहीं आगे जाके क्या हालत होने वाली है और कितनी स्पीड में अचीव कर पाऊँगा। मीटर आज मैंने नॉर्मल पे रखा हुआ है, बट इसको मेरे को रेस ट्रैक पे जो मीटर वाला आता है ना, वही सबसे अच्छा लगता है, तो इसको रेस ट्रैक पे कर लेते हैं। तो कुछ नहीं है, यहाँ से ये मेन्यू दबाया, ठीक है, ये स्पोर्ट्स पे आ गई, और फिर से ये मेन्यू दबा दिया मैंने, और ये आ गया स्पोर्ट्स मीटर। तो अगेन लीन एंगल 18:20, मतलब 18 मैं इस साइड गया हूँ, 20 अभी तक मैं इस साइड गया हूँ। ब्रेक मैंने अभी तक दबा दी है अच्छी खासी, मतलब 8 पॉइंट तक जा चुकी है ब्रेक। ट्रैक्शन कंट्रोल भी आज पहली बार देखा हूँ मैं यहाँ पे कि ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने यूज़ किया है, नॉर्मली मतलब मेरा ट्रैक्शन यूज़ ही नहीं होता। आज थोड़ी सी, जब से बाइक निकाली है तब से हल्का सा मैं फास्ट ही चला रहा था, इसलिए शायद हो सकता है ट्रैक्शन ले लिया हो बाइक ने। तो ये आ गए भाई अपन रोड पे, फाइनली हम आ गए रोड पे। ये रुकती नहीं है बिल्कुल भी, मतलब कहीं भी नहीं रुकती। आप देख लो, मतलब मैंने कितना सा थ्रोटल दिया और कितने से थ्रोटल पे कैसी हालत कर देती है ये, मतलब एक बार तो फीलिंग आ जाती है कि भाई रुक जाओ, कहीं तो रुको। चलो मजा आ गया।
पर ये मजा ना एक्चुअल में ये नहीं है, ये मजा है ये वाला। मतलब जब zigzag करो ना इसको, स्पेशली 150 160 पे, तो एकदम मतलब डराती नहीं है भाई कहीं से भी। कितना अभी मतलब फुल कॉन्फिडेंस में घुस जाओ, ऐसा नहीं लगता कि भाई अब गड़बड़ होने वाली है। ये चीज ना मैं हायाबुसा पे बहुत मिस करता हूँ, मतलब हायाबुसा स्ट्रेट लाइन पे बहुत अच्छी चलती है। ये देखो ब्रेकिंग, अभी मैंने बहुत हल्की ब्रेक दबाई है। अच्छा इसमें ब्रेकिंग इंडिकेशन भी आता है, ये देखो यहाँ पे ब्रेकिंग इंडिकेशन आएगा, ये देखो ये आया, ये ब्रेकिंग इंडिकेशन है कि ब्रेक मैंने कितनी दबाई, मतलब कितने प्रेशर में मैंने ब्रेक दबाई है। तो आरपीएम 9000 पे भी बाइक लॉक है, पर 9000 पे भी मतलब अच्छी खासी जा रही है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये इतनी ब्रूटल और इतनी लाइट वेट है कि जब आरपीएम खुल जाएगा तब क्या होने वाला है वो तो खैर मतलब मैं बता भी नहीं पाऊँगा शायद, मतलब वो वर्ड्स में नहीं बता सकता मैं कि क्या होने वाला है। ये देखो ये चीज़ आया कॉन्फिडेंस, देखो कितने आराम से मैंने ब्रेक लगा ली, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत ही नहीं है। धुआं धुआं ठीक करा लो भाई, फिल्टर चेंज करा लो, डीजल फिल्टर उड़ गए हैं आपकी गाड़ी के। ये तो देखो मुझे पता नहीं है, बट ये बाइक जिस स्पीड में जाती है और जिस तरीके से जाती है मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा आने वाला है खूब सारा, मतलब अच्छा खासा मज़ा आने वाला है। अच्छा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, कि जब भी मैं बोलता हूँ ना कि मतलब हाइपर राइडिंग, तो हाइपर राइडिंग मतलब खाली राइडिंग नहीं होता, एयर स्पैन हो गाइस हमेशा, यार गिरते हैं ना अपन तो अपने को ही लगती है। और एक अभी एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास में, जो राइडिंग करते हुए गिर गया था, उसको काफ़ी सारी चोटें आई थी। मैंने कहा भाई गियर्स क्यों नहीं पहनते हो, जब मैं इतना सिखाता हूँ तो गियर्स क्यों नहीं, तो कहता भैया गियर्स के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कहा ब्रो अभी जो तुम्हें लगी है इसको ठीक कराने के भी तो पैसे लग रहे हैं, कहीं से आए ना। तो कहता है हाँ भैया ये बात तो सही बोल रहे हो आप, लास्ट में तो पैसे लग ही गए, तो इससे बढ़िया है भाई गियर्स फाड़ लो, गियर्स को नुकसान कर लो, अपनी बॉडी को नुकसान क्यों करना, दर्द क्यों करना अपने आप को। तो थोड़ा सा ध्यान रखो अपना एंड प्यार से चलाओ, और उतनी चलाओ जितने में कॉन्फिडेंस रहे। तो ऑनेस्टली बताऊँ तो जब पहली बार इसको बाइक को निकाला था शोरूम से बाहर, तो लेके गए थे गुरुद्वारे तक, मेरे को तो तभी भी फील नहीं हुआ था कि मतलब कहीं से कोई कम है। 9000 आरपीएम तक भी ये ऐसी चल रही थी कि मतलब ज़रूरत नहीं लग रही थी कि यार आरपीएम खुलवाने की ज़रूरत है। बट यस जैसे ही अपन हाईवे पे आ जाएंगे ना, वैसे ही लगेगा कि नहीं यार अब मतलब बाइक ना चल नहीं रही है, मज़ा नहीं आ रहा, स्पीड थोड़ी कम हो रही है। अब देखो सिटी में तो क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली करीब करीब अभी 190 के आसपास जा रही है, तो 190 की स्पीड ऐसे ट्रैफिक में सिटी में तो बहुत होती है। जैसे अभी 9000 आरपीएम पे मैंने ऑलमोस्ट मतलब फिफ्थ गियर पे रेव लिमिट पूरी हो गई थी। अच्छा वैसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो कमेंट्स में एक चीज़ और पूछ रहे थे कि भैया आपकी BMW कहाँ गई, मतलब अपनी वायरस कहाँ गई। तो गाइस वायरस खड़ी है ओखला में, मतलब एक्चुअली क्या है मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम जो मैंने अभी दिखाया वो चल रहा है, और उसके चक्कर में भी पार्किंग नहीं है यहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं उसको धूप में खड़ी करूँ और ख़राब कर दूँ। तो क्या है कि उस पर रैपिंग है, रैपिंग ना धूप में ज़्यादा खड़ी करो तो ख़राब होने चालू हो जाती है, और वो ना मतलब ओपन वेदर में अगर ज़्यादा रखो ज़्यादा टाइम तक तो ना बहुत सारे चांसेस होते हैं कि प्रॉब्लम आने लग जाए, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ख़राब हो, इसलिए वो भैया के घर पे खड़ी हुई है भैया की पार्किंग में। बट यस डेफिनेटली अभी जैसे ही ये वाला हमारे कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 4-5 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, तो तब अपन ले आएंगे वायरस को भी घर पे, और उसके बाद होने वाला एक गदर वाला फोटोशूट, गदर वाला। तो जैसे पहले अपन वायरल के वॉलपेपर्स बांटते थे, वायरस के वॉलपेपर बांटते थे, इस बार वॉलपेपर्स आने वाले हैं
ब्लैक ब्लैक येलो रेड ब्लैक रेड क्या चाहिए बता देना मेरे को। तो जैसा आप बोलोगे ना वैसे ही वॉलपेपर बनवा देंगे, तो मतलब प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाएंगे भाई, वो थोड़ी फोटो वोटो खिंचवाएंगे और फिर थोड़ा सा मतलब अपने खुद के मोबाइल पे और बाकी सब चीज़ों पे भी ना मज़ा आएगा, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग वॉलपेपर, यू नो, मस्त वाले मज़ेदार वाले, कुछ ऐसा वाला प्लान है इस बार का। एंड देखते हैं बाकी, तो जब फ़ोटोज़ खींचेंगी तो फोटोज़ खींचते टाइम क्या होता है कि कई बार वेदर कंडीशंस लोकेशन साथ दे देती हैं, कई बार नहीं भी देती है, मतलब कई बार हम सोच के चलते हैं कॉन्सेप्ट कुछ और वो कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाता। बट ऑन एंड ऑन आज तक जितनी बार भी अपन ने फ़ोटोज़ खींची हैं उतनी बार रिजल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त था। तो ये देख लो मैं कितनी जल्दी पहुँच गया आज, अगर मैं यही कार पर आता ना तो कम से कम आधा घंटा मेरे को ट्रैवल करना पड़ता कार के अंदर, क्योंकि ये सारा ट्रैफिक झेलते हुए निकलता मैं। बाइक पे तो क्या होता है कि मतलब शूशा करके अपन निकल जाते हैं और शूशा करके पहुंच जाते हैं। तो आप कैसे चलाते हो गाड़ी, शूशा करके या शू करके बता देना भाई मुझे। पुलिस वाले अंकल क्या कर रहे हो भाई, हेलो। क्या बात है, ब्रेकर से ऐसे निकल गई है तो पता ही लगा। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन का फायदा, अगर ये भी मैनुअल सस्पेंशन होती ना तो बिल्कुल अलग सी चल रही होती। अच्छा अभी तक ना मैं इसको एक्चुअली रोड मोड पे चला रहा हूँ, ये रहा मोड का बटन। अब ये देखो ये मोड मैंने चेंज किया, ये डायनेमिक, ये रेस और ये रेन। तो रेन पे चलाऊंगा तो ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, रोड पे नॉर्मल जैसे कंडीशन है रोड की चलती है, डायनेमिक मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा बेटर चलती है। एंड रेस, तो रेस मोड अभी अपन ऑन नहीं करेंगे क्योंकि अभी RPM नहीं खुला हुआ है, और जैसे ही RPM खुल जाएगा उसके बाद रेस मोड ऑन होगा, फिर आएगा और ज़्यादा मज़ा। तो वैसे रेन में ना सुपर बाइक्स चलानी बिल्कुल भी मतलब प्रैक्टिकल नहीं होती है, तो मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि जब बारिश हो तो अपनी सुपर बाइक मत निकालो भाई, अंदर इतना कीचड़ चला जाता है और वो कीचड़ निकलता भी नहीं है, सबसे बड़ी आफत यही मचती है। ओह ज़्यादा नहीं गए भाई, 32 डिग्री गए अभी अपन बस लीन। ओह माय गॉड, ओनली 32, मुझे तो लग रहा था मैं चला जाऊंगा शायद 40 तक, तो 32 पे ही आके रुक गया। वैसे खैर स्पीड बहुत कम थी तो उससे ज़्यादा शायद पॉसिबल भी नहीं। अरे भाई पूरा ही हिल लिया मेरे को, सुपर बाइक वाली आवाज़ भी नहीं है कि मैं रेस दे दूँ। भाई ये पहुंच गए अपन NS1, ये देखो क्या लग रही है अल्टीमेट, सामने शीशे में देख के पता लग रहा है कि क्या खतरनाक लग रही है। और ओहो ब्लैक माफिया, सही में यार खतरनाक ही लग रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त। तो गाइज ऐसा दिखता है कुछ शोरूम, और शोरूम लग रहा है बिल्कुल ऑसम। ओह यहाँ पे गाड़ी है उसका डू नॉट टच लिखा हुआ है, योशीमोरा का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, और ओहो आज तो ZX10R लेटेस्ट मॉडल खड़ी है भाई, लेटेस्ट वाली। कितनी चली हुई है, 1200 किलोमीटर चली हुई है सिर्फ। तो इस पर अगर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट्स कर देना, बना दूंगा। एंड शोरूम पे यहाँ पे आके ना मज़ा आ जाता है, आई लव द शोरूम, यू नो ये वाली फीलिंग है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है और बिल्कुल मस्त वाली, सुपर अमेजिंग फीलिंग। 2000 years later. तो भाई टाइम हो रहा है 2:07, और मेरे को निकलना था आगरा बट बारिश की वजह से सारा प्रोग्राम कैंसिल। ये व्लॉग हमने पूरा दोबारा एडिट किया है क्योंकि इसके अंदर कम से कम मैंने 3 बोला था कि भाई मैं आगरा आ रहा हूँ, कहाँ मिल रहा हूँ, कैसे मिल रहा हूँ, सारी डिटेल। ऊपर पंखा भी चल रहा है, थोड़ा सा एक्चुअली चला लिया है क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी हो गई है, बट अब मेरे साथ पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आगरा आऊँ। तो आगरा मिलते हैं जल्दी, एंड रियली सॉरी गाइस, बट मैं एक्चुअल में आना चाहता था, बिल्कुल मन था, क्योंकि मेरे को 1000 बाइक के पूरे करने थे, और मैं 3-4 शाउट आउट भी दे चुका था, मैं इवन इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी डाल चुका था, इवन द कार मॉल आगरा ने भी मेरी स्टोरी रीशेयर की हुई है, बट अब सॉरी अभी नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो स्टिल लव यू गाइस एंड आगरा वाली टर्बो फैमिली, जल्दी आ रहा हूँ, एंड तब तक ये व्लॉग एंजॉय करो एंड
माफिया कैसी लगी वो जरूर बता देना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।